हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है मेरी 9 बजे से। और बाकी दोस्तों, अभी आज घर आया था मैं और काफ़ी दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ। तो दोस्तों, आई होप आप प्यार ज़रूर देंगे इस ब्लॉग में भी। तो दोस्तों, आज मेरी जाने की तैयारी थोड़ा दूर तक हो रही है, हरिद्वार रुड़की तक। तो अभी आज तो मैं हो सकता है ऋषिकेश में रुकूँ, बाकी आपको आगे आगे दिखाता रहूँगा मैं कहाँ कहाँ पे जा रहा हूँ। मोटो ब्लॉग सेटअप नहीं ले गया आज मैं आपके साथ, क्योंकि आजकल थोड़ा व्यस्तता चल रही है। तो दोस्तों, आजकल इतना व्यस्त हूँ कि क्या ही बताऊँ आपको। आजकल गुप्तकाशी केदारनाथ की तरफ हूँ मैं, तो जहाँ पे ब्लॉग बनाने का टाइम मिल नहीं रहा है। तो जैसे ही अभी ये जून समाप्त हो जाएगा, जून के बाद फिर से कंटिन्यू ब्लॉग आपको देखने को मिल जाएंगे। और अभी फ़िलहाल तो वहीं हूँ गुप्तकाशी में, मैं 2-4 दिन के लिए आया हूँ घर पर, और बाकी उसके बाद फिर से कंटिन्यू ब्लॉग देखने को मिलेंगे आप। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल चलते हैं दुर्गाधार में, जहाँ पे बाइक है और बाइक में चलूँगा आज। तो दोस्तों, अभी सुबह 10 बजे का टाइम हो गया है और मैं पहुँच चुका हूँ तकरीबन रुद्रप्रयाग में, और बाकी एक नज़ारा दिखाता हूँ यहाँ का। तो दोस्तों, ये देख सकते हो आप, सामने है कर्णप्रयाग वाला रूट और यहाँ से बाईपास बन रहा है कर्णप्रयाग जाने के लिए। ये नीचे से देख सकते हो आप, और ये वाला हमारा रूट है। बाकी दोस्तों, ये ऊपर की तरफ वाला मेरे घर के लिए जा रहा है, और जो नीचे वाला आप देख रहे हो रूट, वो है कोटेश्वर मंदिर वाला। ये आप देख सकते हो नीचे और ऊपर, तो दोनों रूट हैं। ऊपर वाला नागनाथ पोखरी रूट, कार्तिक स्वामी वाला रूट है जिस पे मेरा घर है, और बाकी नीचे वाला कोटेश्वर मंदिर जो फेमस मंदिर है रुद्रप्रयाग का, वो रूट नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, सफ़र में आगे बढ़ते हुए मैं पहुंच चुका हूं देवप्रयाग में, और दोस्तों इतनी मतलब गर्मी हो रही है इधर नीचे की तरफ, गुप्तकाशी में ऊपर ठंड हो रही थी, लेकिन यहां पे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। बाकी मैं यहां के थोड़ा सा नज़ारे दिखाता हूं आपको, ये देख सकते हो आप, ये है देवप्रयाग संगम, और यहाँ पर ये इधर वाली भागीरथी नदी और उधर से अलकनंदा दोनों का संगम है, और यहाँ से दोनों नदियां मिलकर के आपस में गंगा बन जाती हैं, जो कि आगे हरिद्वार आगे तक चलती है। दोस्तों, पहुंच चुका हूं रुड़की में, और कल हरिद्वार में रुका था मैं, और आज अभी पहुंच चुका हूं यहां पे रुड़की में, जहां पे मेरा काम है। और दोस्तों, मतलब यहां इतनी गर्मी हो रही कि क्या बताऊं आपको। बाकी गुप्तकाशी में था, गुप्तकाशी में ठंडा मौसम था वहां पे, क्योंकि पर डे बारिश वगैरह होती थी, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी हो रही है। अभी देखो, सुबह 9:30 बजे का टाइम हो रहा है अभी, लेकिन इतनी गर्मी हो रही है कि मतलब रहना मुश्किल हो जा रहा है बाहर। और देखो, पसीना भी देख सकते हो आप, इतना भयंकर वाला पसीना आ रहा है कि क्या बताएं आपको। और गर्मी मतलब वैसी गर्मी हो रही है कि असहनीय गर्मी हो रही है,
बाकी दोस्तों यहाँ पे कुछ काम है मेरा, जो कि पिछली बार भी देखा होगा आपने, अगर पिछला वीडियो मेरा देखा होगा, रुड़की में ये कॉलेज है और यहाँ आ रखा हूँ मैं, तो यहाँ कुछ काम है मेरा। तो बाकी अभी काम करते हैं और उसके बाद आपसे फिर मिलते हैं। बाकी दोस्तों कल हरिद्वार में रुका था मैं, तो थकान इतनी ज़्यादा लग गई थी कि आते ही तुरंत मतलब आराम कर रहा था मैं, उसके बाद ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं मैंने, क्योंकि थकान इतनी ज़्यादा लग गई थी कि क्या बताएं आपको। तो अभी यहाँ पे रेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे छाया है पीछे की तरफ, और अभी 10 बजे से खुलेगा कॉलेज, अभी खुला नहीं है, 10 बजे से स्टाफ पूरा 10 बजे आता है यहाँ पे, तो जैसे आएगा उसके बाद अपना काम करता हूँ, और उसके बाद फिर आज ही मुझे हो सकता है घर जाना पड़े, अगर लेट होगा तो फिर यहीं रुकूँगा आज, और आज रुकूँगा मैं ऋषिकेश में, कल तो हरिद्वार में रुका था मामा जी के पास, बाकी आज रुकूँगा मैं अपने दोस्त के पास ऋषिकेश में, अगर लेट होगा तो, लेट नहीं होगा तो फिर डायरेक्ट घर निकल जाऊँगा, देखते हैं जो भी होगा, क्योंकि इधर गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो घर ही निकलना सही रहेगा, बाकी देखते हैं। जाम वगैरह भी लग रहा है इधर हरिद्वार में, जाम नहीं होगा तो जल्दी भी पहुंच जाएंगे, जल्दी पहुंच जाएंगे तो इसके साथ अगर जल्दी क्रॉस हो जाएगा तो फिर घर ही निकल जाऊंगा सीधे। तो दोस्तों अभी पहुंच चुका हूं मैं रुड़की से, डायरेक्ट पहुंच चुका हूं ऋषिकेश से आगे, और अभी ब्यासी पहुंचने वाला हूं, लेकिन दोस्तों अभी इतना भयंकर वाला जाम लगा हुआ है। 12 बजे वहां से निकल गया था मैं हरिद्वार से लगभग, और 12 बजे से अभी टाइम हो रहा है लगभग, देख सकते हो आप 3 बजे का टाइम हो रहा है। तो दोस्तों अभी 3 बजे निकला हूँ यहाँ से, और आगे मतलब शिवपुरी से आगे तक जाम लगा हुआ बहुत ही भयंकर वाला, तो इतनी गर्मी भी हो रही है कि बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी, और बड़ी मुश्किल से निकला हूँ, तो अभी थोड़ा सा यहाँ पर रेस्ट कर रहा हूँ, और मतलब धूप इतनी हो रही है कि क्या बताया, थकान भी लग गई है। तो दोस्तों अभी सीधे आगे मिलूँगा आपको, हो सकता है सीधे घर में मिलूँ, या हो सकता है सीधे आपको गुप्तकाशी में मिलूँ, तो बाकी देखते हैं जैसा भी होगा। तो दोस्तों अभी मैं लगभग पहुँचने वाला हूँ गुप्तकाशी में, और गुप्तकाशी जाते हुए दोस्तों अभी तीन धारा में लगभग 1-1.5 घंटे मैं रुका रहा, और इतनी भयंकर वाली बारिश हुई वहाँ पे कि क्या ही बताऊँ, और हल्का हल्का बूंदाबांदी, मतलब मैं भी भीग गया था थोड़ा बहुत, और उसके बाद वहाँ पे बैठा रहा, तीन धारा में बैठा रहा, और जैसी बारिश बंद हुई उसके बाद चला, और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, तो अभी गुप्तकाशी जाना है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर क्लोज़ करते हैं, और मिलते हैं अगले नए ब्लॉग में आपसे, और दोस्तों आशा है आपको ये ब्लॉग ज़रूर पसंद आएगा, तो आई होप अगले नए ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।